दोस्तों, अभी हम अपने बीमार ताऊ जी को सड़क तक पहुंचाने के लिए डंडी कंडी की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव से सड़क की दूरी 3.5 से 4 किलोमीटर की है और सड़क ना होने के कारण हमें इसी प्रकार से डंडी कंडी के सहारे ही ताऊ जी को सड़क तक पहुंचाना पड़ेगा। नमस्कार दर्दियों, स्वागत है आप सब लोगों में नया ब्लॉग में। भले 6:50 हुए और अभी हम आए थे मल्ली बाखली उम्मीद है भय लॉग से जो 108 लेके पहुंचे था। चार अंडे यार, चल ताऊ जी पढ़ा ए उलिया काम हो जा। तो ये ताऊ जी है हमारे। अभी एक हफ्ते पहले इनको चौखुटिया लेके गए हुए थे हम। चौखुटिया में कुछ खास फर्क पड़ा नहीं उनके तबीयत पे। आज इनको यहाँ से मालकोट ले जाएंगे और फिर मालकोट से इनको सीधा देहरादून इंद्रेश अस्पताल। तो उम्मीद है कि ताऊ जी स्वस्थ होके आएंगे। तो बस सभी इतनी नान तो है स्कूल आगे, बाकी दीपू भयो मतलब काफी नान जस्ती नान छे सब आने हो। ताऊ जी को उठा के ले जाएंगे मालकोट तक। बस ठीक है ठीक है, ते पड़े जा भाई। बस चलो भाई। तो बस दगड़ियो अब तिवा खरक पे मालकोट तक सफर प्रारंभ। आज मणि चिफो हूँ यहाँ बॉर्डर बिल्कुल स्लो चले बरखा हुई ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आराम से चला। हाँ जय हो माँ भगवती। चलो भाई आराम आराम से। तो अभी जो है दूसरा स्लॉट हो गया है बुक मिल पड़ रही। तू तो दगड़ियो यात्रा ही प्रारंभ है तेवाखर से मालकोट की। आराम से आया है ये देखो तू। तीसरी बार में हमारा नंबर ऑल। जब तीसरी बार चेंज होगा तब हम चेंज करेंगे। तो फिलहाल बस चल दिए हैं आराम आराम से। अब रास्ता भी जरा गड़बड़ा रखा है क्योंकि बरसात हो रखी है कल पूरी रात। तो चिपहू हुई बॉर्ड पूरा एकदम, क्या बताएं अब। चलो चलते हैं आराम आराम से। हाँ खबर यम बहुत चिप हो बॉर्ड से आराम से। हाँ जा रुदे आज मार दिया। चलो भाई तगड़े पानी ही पानी है, चिपुला रास्ता है। आराम से आराम से। आराम से आराम से आराम से। बस जय हो। तेरे तीर तो कहाँ बने सांप बॉर्डर। तो रास्ता देखो दोस्तों, ये एकदम चिपो हुई बिल्कुल बोते या दी आदमी पकड़ कर खाते। ये देखो देखो तगड़ियों बिल्कुल कचार कचार हो रखा है। कचार से ना कचार तुम गलत गया तो बात है। वो अब खले अब गिरना है। वो याद ही में आगे निकल रहा है। वो खुटू साये दो मिनट होल्ड कर तम वो बचल। चल अब राम राम चल। देख तुम रविंदर सिंह तो लिखने लगे। इन्हें ब्रेकिंग सिस्टम चेक होने। हाँ भाई आराम से बस अमणि तम तल रहे। डिस्क ब्रेक ठीक नहीं रहे, डिस्क ब्रेक काम नहीं करने। अरे वो खजाना किन्होंने डाल रहा हूँ ना तो ये जरा होल्ड कर रहे। चल 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 अरे गिला काम कर बिल्कुल अरे ये कैमरा मैन नहीं देख रही थी यहाँ। और दोस्तों आपको बताता चलूं कि इस महीने में ये तीसरी घटना है जब हम
किसी बुजुर्ग को डंडी कंडी के सहारे सड़क तक ले जा रहे हैं। देखिए बिजू लागे मैड जी बनेगी अहमद आराम से ले अहमद जोश बिल्कुल जीरो कर दो। सुबह सुबह का समय है और जो हमारा डेली का काम रूटीन टाइप का बन चुका है वो फिर एक बार आप देख सकते हैं। स्कूल के बच्चे जिनका कि 9 बजे स्कूल लगता है वो आज हमारे साथ 6 बजे चल दिए हैं क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी आ गई हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि कितनी हमें परेशानियाँ हैं, कैसे हम अपना दिन व्यतीत करते हैं, कैसे हमें सबको अपने साथ लेके चलना पड़ता है। ये है काफ़ी फिसलन वाला रास्ता है, यहाँ से फिसलन वाला रास्ता है और ऐसे जा रहे हैं। हमारे स्कूल के बच्चे भी शामिल करने पड़े हमको क्योंकि ऐसी ही परिस्थिति है, गांव में रोड नहीं है। आजकल नौकरी के लिए गांव के बड़े बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है तो वो बाहर गए हैं, सब के सब अपने अपने काम पर लगे हैं तो गांव में बस छोटे बच्चे रह गए हैं और कुछ गिने चुने लोग रह गए हैं। और अभी आप जो नीचे नज़ारा देख रहे हैं ये नज़ारा है हमारे गांव जाने वाली सड़क का। ये सड़क भी सिर्फ अभी आधी ही स्वीकृत हुई है क्योंकि यहाँ से गांव की दूरी 3 किलोमीटर और है और उस 3 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति अभी मिलनी बाकी है। और जो ये सड़क बन भी रही है इस सड़क का बनना ना बनना भी एक ही समान है क्योंकि इस सड़क को मुख्य सड़क तक जोड़ने के लिए हमें एक पुल की आवश्यकता है जिसकी वित्त स्वीकृति अभी तक हमें नहीं मिली है क्योंकि इन दो सड़कों के बीच में हमारी विशालकाय रामगंगा नदी है। और ये सामने आप नदी को देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इस नदी को पार करके किसी भी गाड़ी का इस तरफ आ पाना नामुमकिन सा ही है। इसीलिए लगातार सरकार से हम अपने सड़क के लिए पुल की वित्त स्वीकृति की मांग कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार तक हमारी ये मांग पहुँचे और सरकार जल्द से जल्द पुल की वित्त स्वीकृति करे। और ये आपके सामने सिर्फ पैदल चलने वाला पुल है। तुम घाम में रखे हाँ नहीं नहीं घाम में रह तुम तो दगड़ियो पहुंची हम मालकोट में। जय हो भगवान। गाड़ी आ गई है। और सड़क के साथ साथ उत्तराखंड की दूसरी प्रमुख समस्या है स्वास्थ्य की क्योंकि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधा ना बराबर है। इसीलिए हम ताऊ जी को यहाँ से डायरेक्ट देहरादून भेज रहे हैं और ये लोकल गाड़ी बुक की हुई है और इसी गाड़ी में बैठकर ताऊ जी यहाँ से देहरादून जाएंगे अपना उपचार कराने। और भगवान से ये उम्मीद करता हूँ कि ताऊ जी जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच में उपस्थित हों। चाय की व्यवस्था है भाई? ये हमारी बेस्ट जनरल स्टोर प्लास्टिक वाले नहीं है। देखिए ये पर्यावरण का बहुत ही ध्यान रखते हैं। ये बनी है चाय बहन कड़क जल्दी आ रहा जा रहे जा जा तुम जाओ स्कूल जा स्कूल जा रहे बैग लगी नहीं हुई माँ कसम जा रहे स्कूल जल्दी तुम्हारा माँ बाप बोल हम कचू माँ कसम। तो दगड़ियो यूं हमारा स्कूल आना चला है स्कूल जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ सबास तोले छोड़ तोले कॉल यानी दगड़ियो अब चल दिए हैं हम अपने गांव की ओर। स्कूल आना अंचला स्कूल हूँ हम जान हम अपूडिया हूँ और ये है 108 सर्विस जो है हम उल्पार हूँ ये है के भवन जू हाँ यूटिलिटी भवन जू तो वहाँ पे ये रखना है हमने क्योंकि जब ताऊ जी वापस आला फिर हम इसी की मदद से उनको इसमें ले जाएंगे। जोर धर के होते पारम खड़ कर दे खड़ हाँ कोई नहीं आज बाद में रड़ रहे हैं। तो दगड़ी उसी के साथ उकाई का जो रास्ता है वो शुरू हो चुका है हमारा चढ़ाई चलो
क्या पकड़ो भगत, ये दीपू पकड़ो, दीपू खेल रहा है मैंने, ये दीपू पकड़े, जय हो माँ भगवती, तगड़े हो। पहुंची हम गोवा दहलीज में,